विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा कांग्रेस में बदलाव हुआ और पार्टी की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा को हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा में विपक्ष के नेता रहेंगे। इसके अलावा हुड्डा चुनाव प्रबंधन कमेटी के प्रमुख भी होंगे। सोनिया गांधी की करीबी मानी जाने वाली शैलजा ने अशोक तंवर का स्थान लिया है। दूसरी तरफ हुड्डा ने किरण चौधरी का स्थान लिया है। आइए बात करते हैं इनके जीवन की कुछ अहम बातों के बारे में। इनकी माता का नाम कलावती था, जिनका मार्च 2012 में निधन हुआ। एक स्त्री होने के बावजूद उन्होंने अपनी माँ को मुखाग्नि दी थी। अविवाहित कुमारी शैलजा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध रखती हैं। कुमारी शैलजा बचपन से ही पढ़ने में काफी तेज थी। प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के जीसस एंड मैरी स्कूल में हुई। स्नातकोत्तर तथा एमफिल चंडीगढ़ से पंजाब विश्वविद्यालय से किया इन्होंने। इसके बाद 1990 में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनकर इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। 1991 में वे पहली बार 10वीं लोकसभा चुनाव में हरियाणा के सिरसा लोकसभा सीट से जीती थी और नरसिंह राव सरकार में शिक्षा और संस्कृति राज्य मंत्री भी बनी। जुलाई 1992 से सितंबर 1995 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा और संस्कृति विभाग की केंद्रीय उप मंत्री रही। इसके बाद सितंबर 1995 से मई 1996 तक उक्त विभाग की केंद्रीय राज्य मंत्री रही। 1996 में 11वीं लोकसभा में दूसरी बार सिरसा सीट से जीत हासिल की तथा कांग्रेस संसदीय दल की कार्यकारी समिति का सदस्य भी बनी। 1996 से 2004 तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव व प्रवक्ता पद का दायित्व संभाला। तीसरी बार 2004 में 14वें लोकसभा चुनाव में कुमारी शैलजा ने हरियाणा की अंबाला सीट का प्रतिनिधित्व किया तथा डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री रही। इसके अलावा 2005 में राज्यमंडल स्थानीय सरकार फोरम के संचालक मंडल के सदस्य निर्वाचित हुई। 2007 में 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान इन्हें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की 21वीं शासी प्रतिशत अध्यक्ष चुनी गई। 2009 में चौथी बार 15वीं लोकसभा सीट के लिए निर्वाचित हुई। इसके बाद 31 मई 2009 से 18 जनवरी 2011 तक आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन और पर्यटन विभाग की केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रही। 19 जनवरी को 2011 से 28 अक्टूबर 2012 तक यह आवास और शहरी गरीबी उपशमन और संस्कृति मंत्रालय की कैबिनेट मंत्री पद का दायित्व इन्होंने संभाला। 28 अक्टूबर 2012 से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री के साथ उप कार्य कर रही थी लगातार। 27 जनवरी 2014 को इन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस संगठन में कार्य करने की इच्छा जाहिर करी थी। मार्च 2011 में केंद्रीय पर्यटन मंत्री कुमारी शैलजा की याचिका पर पंजाब और हरियाणा उच्च मंत्रालय ने नोटिस जारी कर उन पर धोखाधड़ी, आपराधिक धमकी, जालियासी व अन्य आपराधिक षड्यंत्र के आरोप लगाए थे। याचिकर्ता वकील बीएस चाहर ने कथित तौर पर आरोप लगाया कि शैलजा ने मिर्चपुर मामले में जाट नेताओं के खिलाफ वाल्मीकि समुदाय के लोगों को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही एक मुक्केबाजी से खुद को बचाने के लिए उन पर दबाव बनाकर कोरे और गैर न्यायिक कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था। समकालीन आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर विकासशील देशों के समावेशी विकास और पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर गहरा शहरी गरीबी के आवास व अन्य संबंधित मुद्दों पर कार्य करने की विशेष रुचि रखती हैं कुमारी शैलजा। आर्मी गोल्फ क्लब और भारत पर्यावरण केंद्र और भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की सदस्य रही हैं कुमारी शैलजा। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक पर्यावरण और आवास से संबंधित मुद्दों पर पढ़ना पसंद रखती हैं। अछूते स्थलों की यात्रा करना तथा संगीत की सभी शैलियों का लुत्फ लेना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। इनके समय व्यतीत करने और तनाव कम करने का ये इकलौता जरिया है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली राष्ट्रमंडल महिला सांसद संचालन समिति का सदस्य हैं।
मानव बस्तियों पर राष्ट्रमंडल कंसल्टेटिव समूह की निर्वाचित अध्यक्ष भी रही हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण तथा सुविहीन व हाशिए के लोगों के साथ वंचित समूह के साथ उत्थान के लिए भी इन्होंने काम किया है। अब देखना होगा कि ये हरियाणा में किस तरीके से मनोहर लाल खट्टर को टक्कर देती हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ी रहें SPN 9 न्यूज़ पर। हर्ष की रिपोर्ट।